तो लखनऊ से चली हुई तिरंगा यात्रा उन्नाव पहुंच चुकी है और उन्नाव में एक सफल जो तिरंगा यात्रा थी उसका कहीं ना कहीं अब उसे और आगे जो बढ़ाया जाएगा। इनाम सिंह प्रधान जी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रधान जी कैसे होगी इधर आओ यार सब लोग। तो आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ के नेता कार्यकर्ता हैं वो स्वागत हो रहा है उनका रामचंद्र प्रधान और उनकी तिरंगा यात्रा का। और ये काफिला जो है लखनऊ से चला था आज सुबह रसनपे चौराहे से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी और अब ये तिरंगा यात्रा जो है वो उन्नाव पहुंची हुई थी। इस वक्त जो निरीक्षण भवन है उन्नाव का वहाँ पर ये पहुंची हुई है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, पहले से ही स्वागत कर रहे थे। इसके अलावा मौजूदा इस ज़िले के जो विधायक हैं बम्बा लाल, इसके अलावा पंकज गुप्ता, ये विधायक भी मौजूद थे। और मैं सामने की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि सामने का क्या माहौल है और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की जो कोशिश की गई थी और इस कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाया गया। सर एक सफल आयोजन जो है आप लोग की तरफ से किया गया कितना है, मैं क्या कहना चाहेंगे, क्या फिर से पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जो लखनऊ से लेकर के आपने छोड़ दिया। हाँ तिरंगा यात्रा आज ये भारत के सम्मान स्वाभिमान की याद दिलाता है। ये यात्रा हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इस देश में जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है आज 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में पूरा भारत मना रहा है। वो चाहे जिस वर्ग के लोग हों, चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे वो अमीर गरीब किसान नौजवान छात्र मजदूर सब लोग आज इसको, चूँकि इस यात्रा को हम लोग इसको स्वाभिमान सम्मान के रूप में देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी लखनऊ से चलकर उन्नाव तक ये 75वें वर्ष में 75वीं वर्षगांठ पे 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम लखनऊ से उन्नाव तक 75 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, जिसमें ज़्यादातर नौजवान किसान प्रधान बीडीसी पार्षद ये लोग हैं। और इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश में जो ये जन जागरण शुरू कराया, इससे हमारे देश के लोगों को नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। हमारे देश में जो लोग शहीद हुए, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, तमाम हमारे जवान सेना के जवान पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनकी याद दिलाते हैं, इससे देश प्रेम बढ़ता है। खुद ब्रजेश पाठक आए थे अगुवाई करने के लिए, उसके अलावा यहाँ पर भी कई सारे जनप्रतिनिधि आए हैं जिन्होंने आपका स्वागत किया, आपकी तिरंगा यात्रा का उन्होंने कहीं ना कहीं सराहना भी की है, क्या कहना उसके लिए। पूरा देश ये तिरंगा यात्रा मना रहा है जिसमें हम लोग हमारा तो दल जिस दल में हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है। हमारा नारा नहीं है कि भारत माता की जय, हमारे लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय हमारा कल्चर है। हम जिस दल में काम करते हैं उसका मकसद ही है सरकार बनाना सरकार चलाना, उसका मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है भारत माता की जय हो। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु कैसे बने और उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास है उसी का एक प्रयास है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो साफ तौर पर ये जो तिरंगा यात्रा राजधानी लखनऊ से शुरू होकर के उन्नाव पहुंच चुकी है, 75 वर्ष पूरे हुए, 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई है और साफ तौर पर रामचंद्र प्रधान का ये कहना है कि हमारा जो पार्टी का नारा नहीं है, हम दिल से भी मानते हैं भारत माता की। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन पाटिल।